आपका सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो और घर में कुछ ना हो तो फटाफट बनाइए सूजी के मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। देखिए कितने अच्छे बने हैं और फटाफट बनते हैं और बिल्कुल नरम बने हैं। देखिए एक तोड़ के भी दिखा देते हैं। कौन कहेगा कि ये सूजी के हैं, तो आप भी इन्हें जरूर ट्राई करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सूजी के बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले लड्डू। बनाने के लिए हमने सूजी लिए, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, वह ज़्यादा मोटी ना हो। अगर हो आपके पास मोटी वाली, आप उसको मिक्सी में थोड़ा चला लें, ये मीडियम वाली है। एक कटोरी सूजी के साथ ही हमने एक कटोरी पिसी हुई चीनी का पाउडर लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है, हमने इलायची को कूट के बना लिया है। आधी कटोरी हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। काजू बादाम लिए हैं जिन्हें हम अभी कट कर लेंगे। थोड़ी सी किशमिश है, पिस्ते की कतरन और 3/4 कप हमने घी लिया है। एक कटोरी सूजी के साथ हमने 2 कटोरी दूध लिया। इस सूजी को हमने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है। इसको पहले हम दूध में घोल के रख देंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको घोल के रख देंगे दूध में। इस सूजी को हमने दूध में मिक्स कर लिया, इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सूजी हमारे दूध में फूल रही जब तक हम ये डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा ना करें, कलर चेंज हो गए हैं 2 मिनट। अब इसको हम खाली कर लेते हैं कढ़ाई में से। उसी कढ़ाई में हमने जो घी लिया था आधी कटोरी, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे, काजू बादाम और किशमिश, पिस्ता हम ऐसे ही डालेंगे ऊपर से। इन सभी को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें हो गई हैं, इन्हें जलाना नहीं है ज़्यादा। अब किशमिश भी फूल चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं। 10 से 20 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से फूल गई। अब इसको हम सेकेंगे। एक कढ़ाई में हमने सूजी डाल दी, अब इसको हम धीरे धीरे लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। अब हम 1 से 2 चम्मच घी इसमें बीच बीच में डालते जाएंगे। पहले हमने 2 से 3 चम्मच डाल दिया है, अब भूनेंगे। जैसे जैसे हम सूजी को भूनते जा रहे हैं, उसके दाने खुलते जा रहे हैं, हम 2 चम्मच घी और डाल लेंगे। ऐसे ही करके हम पूरा आधा कटोरी घी थोड़ा सा बचा लेंगे, 1-2 चम्मच लास्ट वन के लिए। और अब इसको जब तक सेकते जाएंगे जब तक एक दाना इसका खिलना चाहिए। ये हमने थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें डाल लिया है, 2 से 3 चम्मच घी हमने बचा लिया है। और ये हमारी सूजी भी अच्छे से भून गई है। देखिए एक एक दाना इसका अलग दिख रहा है। अब इसको हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। ये सूजी हमने निकाल ली बड़े से बाउल में। अब सबसे पहले इसमें डाल देंगे ये इलायची पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हमने ये इलायची तोड़ के पीसी है, आप पाउडर ना डालें, ऐसे ही बना इलायची पाउडर तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। और ये डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने सेक के रखा था, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने हमने घी में कर लिया था, पिस्ता और लास्ट में इसमें भी जाएगी पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास ना हो पूरा तो आप चीनी को मिक्सर में पीस कर, मीठा आप अपने हिसाब से रखें। हमने 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी ही पूरा लिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी गर्म, ज़्यादा गर्म में ना डालें नहीं तो चीनी पिघल जाएगी। थोड़े गुनगुना होने के बाद ही चीनी को मिलाएं इसमें। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। अगर आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हों तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म घी या थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, पर बहुत अच्छी तरह से लड्डू बन जाएंगे। देखिए साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी आपको बनाने हैं। आराम से लड्डू बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपके नहीं बने तो आप इसमें दूध या थोड़ा सा गर्म करके ये 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। ये हमारे सूजी के लड्डू बनते एकदम तैयार हैं, बिल्कुल मलाई जैसे बने हैं, मुँह में घुल जाने वाले। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।